नेपाल में दर्दनाक सड़क हादसा, तनहू जिले में यात्रियों से भरी बस नदी में गिरी। यूपी नंबर की थी बस। बस में सवार सभी 40 यात्री भारतीय थे। पोखरा से काठमांडू जा रही थी बस। नेपाल बस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन जुटा। जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे। राष्ट्रपति जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। रेल फोर्स वन ट्रेन से यात्रा के बाद यूक्रेन पहुंचे पीएम। यात्रा के दौरान राजधानी कीव में करीब 7 घंटे पीएम मोदी ने आज बिताने हैं। पीएम मोदी ने पोलैंड में रेल फोर्स वन ट्रेन में 10 घंटे का सफर तय किया। पीएम का यूक्रेन के अधिकारियों ने स्वागत किया। यूक्रेन में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी के दौरे से यूक्रेन में मौजूद भारतीय छात्रों में उत्साह। सभी ने युद्ध खत्म करवाने की उम्मीद जताई। पीएम मोदी ने यूक्रेन दौरे से पहले ही दिया शांति का संदेश। कहा, युद्ध नहीं होता किसी समस्या का समाधान। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से पहले पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क का दावा, यूक्रेन संघर्ष के खात्मे से भारत निभा सकता है अहम भूमिका। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे पर बड़ी खबर। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण की 24 सीटों में 13 पर लड़ सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी कांग्रेस। सीपीएम के खाते में एक सीट। 18 सितंबर को पहले चरण का मतदान। एनसीपी अजीत गुट ने जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल समेत सूची में 26 नेताओं के नाम। दिल्ली सीएम केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक हफ्ते में काउंटर एफिडेविट फाइल करने को कहा। केजरीवाल की जमानत पर अब अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद हैं दिल्ली के सीएम। अमेरिका के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत अमेरिका के बीच 2 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर। वाशिंगटन में भारतीय समुदाय से भी मिले राजनाथ सिंह। वाशिंगटन डीसी में राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय को संबोधित कर कहा, दुनिया में भारत का कद बड़ा है। आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। राजनाथ सिंह ने कहा, दुनिया का ताकतवर देश बना भारत। 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा भारत। नेशनल स्पेस डे पर दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई शामिल। पीएम मोदी ने देशवासियों को नेशनल स्पेस डे की बधाई दी। देश में आज पहला नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है। पिछले साल इसरो का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर इसी दिन उतरा था। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। नेशनल स्पेस डे पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसरो की तारीफ की। बोले, चांद के दक्षिणी हिस्से पर उतरकर भारत ने इतिहास रचा। इसरो ने इस उपलब्धि से दुनिया को चौंकाया। 1989 बैच आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन ने संभाला केंद्रीय गृह सचिव का कार्यभार। गोविंद मोहन ने अजय कुमार भल्ला की जगह ली। रांची में आज बीजेपी की युवा आक्रोश रैली, इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। रांची में बीजेपी की रैली पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, युवा अपना अधिकार मांग रहे हैं तो हेमंत सोरेन क्यों डरे हुए हैं? न्याय और अधिकार की लड़ाई को दबाया जाना गलत है। बीजेपी युवा मोर्चा की आक्रोश रैली पर बीजेपी नेता अमर सिंह ने कहा, मार्च को दबाने की कोशिश कर रहा झारखंड सरकार, बीजेपी की रैली से सरकार डरी हुई है। उड़ीसा विधानसभा में बीजेडी और कांग्रेस विधायकों का हंगामा। गंजम जिले में शराब त्रासदी को लेकर बवाल। वेल में घुसे विपक्षी विधायक, आबकारी मंत्री का इस्तीफा मांगा। उत्तराखंड के चमोली में बीजेपी के विधायक दल की बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की अध्यक्षता। विधायक दल की बैठक के बाद बोले सीएम धामी, बजट में गरीब की चिंता की गई। बजट में युवाओं और किसानों को प्रमुखता में रखा गया। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। कई मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई। बीजेपी को लेकर बोले एनसीपी शरद पवार, गुट के नेता रोहित पवार, बीजेपी चुनाव से डरी हुई है। उनके आंतरिक सर्वे में वे हार रहे हैं। महाविकास आघाड़ी 180 से ज्यादा सीटें जीतेगी। दिल्ली में बुजुर्गों के खातों में वृद्धावस्था पेंशन के शेष 10,000 रुपए आज जमा होंगे। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, बीजेपी ने पिछले 5 महीनों से बंद की थी पेंशन। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के 8वें दिन भी सीबीआई ने पूछताछ जारी रखी। महिला डॉक्टर बलात्कार और हत्या के मामले में जांच जारी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का सीबीआई जल्द कराएगी पॉलीग्राफ टेस्ट। सियालदह कोर्ट ने दी मंजूरी। आरोपी संजय राय के साइकोलॉजिकल टेस्ट की डिटेल सामने आई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने अक्सर रेड लाइट एरिया में जाने की बात मानी। वारदात वाले दिन पॉर्न वीडियो देखने की भी बात कबूली। दिल्ली के एम्स सहित देश भर के सभी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म की। काम पर लौटे रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टर्स। दिल्ली एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर इंद्रशेखर प्रसाद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा का भरोसा दिया है, इसलिए काम पर सभी डॉक्टर्स लौटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टर्स की मांग पर विचार के लिए कमेटी का गठन किया। कहा, अब अगर काम पर नहीं लौटे तो माने जाएंगे गैर हाजिर, होगी कानूनी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्रालय को एक हेल्थ पोर्टल बनाने का आदेश दिया। केंद्र और राज्य सरकारों को हड़ताली डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की हड़ताल अभी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के आश्वासन के बावजूद फिलहाल प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को सुझाव दिया। कहा,
डॉक्टर्स की पीसफुल प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब ना करें। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के बाहर सीआईएसएफ की तैनाती, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सीआईएसएफ जवानों की तैनाती। सीआईएसएफ के डीआईजी ने सुरक्षा का भरोसा देते हुए कहा सभी शिफ्ट में जवान तैनात रहेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, एंटी रेप कानून बनाने की मांग की, कहा रेप में 15 दिन में ट्रायल पूरा हो। वडोदरा की महारानी राधिका राजे गायकवाड़ ने मौन रैली निकाली। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर के खिलाफ कैंडल मार्च में शामिल हुई। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया। राज्य के सभी अस्पतालों में सुरक्षा के लिए हथियारबंद रिटायर्ड फौजियों की तैनाती की बात कही। बदलापुर कांड के बाद सड़कों पर बैनर पोस्टर लगे, पोस्टर में मामले का राजनीतिकरण ना करने की अपील, लिखा घटना का सब विरोध करते हैं। बदलापुर में स्कूली बच्चियों से यौन शोषण के मामले में कार्रवाई तेज, एसआईटी ने पॉक्सो एक्ट के तहत स्कूल के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया। बदलापुर स्कूल की घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार अलर्ट, स्कूल परिसर के सीसीटीवी लगाने की बात को अनिवार्य करते हुए कहा कि सीसीटीवी लगाए जाएं। 24 अगस्त को महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया, उद्धव ठाकरे की अपील, आम लोग भी शामिल हों। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू, 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को राज्य के 67 केंद्रों पर परीक्षा। 2 शिफ्ट्स में हो रही है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, दूसरे राज्यों के करीब 6,30,000 युवा भी शामिल, सरकार ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से पहले कई लोगों को पुलिस ने पकड़ा, गोरखपुर के बांस गांव में एक महिला कांस्टेबल समेत 4 लोग हिरासत में लिए गए। गोरखपुर में महिला सिपाही के फोन में सिपाही भर्ती के 5 एडमिट कार्ड मिले, हिरासत में लिए गए आरोपी दिल्ली का बताया जा रहा है, एसटीएफ की टीम पूछताछ में जुटी हुई है। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा में पुलिस का एक्शन, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर एफआईआर दर्ज। एफआईआर में समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री यासर शाह का नाम, लखनऊ के हुसैनगंज में दर्ज हुआ मुकदमा। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को लेकर कड़ी सुरक्षा, लखनऊ के नेशनल पीजी कॉलेज के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर मुरादाबाद में कड़ी सुरक्षा, डीआईजी ने कहा मुरादाबाद में 26 सेंटर में हो रही है परीक्षा, जिले में कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। नोएडा में भी भर्ती को लेकर कड़े सुरक्षा के इंतजाम, जॉइंट सीपी ने कहा 18 परीक्षा केंद्रों पर तैनात टीमें, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए पर्याप्त टीमें लगाई गई। गोरखपुर में भी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के चलते कड़ी सुरक्षा, परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले सभी अभ्यर्थियों की चेकिंग। यूपी पुलिस ने टेलीग्राम के 11 चैनलों पर केस दर्ज किया, सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा कर रहे थे। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर बोले डीजीपी प्रशांत कुमार, सभी जगह पुलिस तैनात है, अभी तक कहीं से भी लीक होने की खबर नहीं, भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर भी होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली कोचिंग हादसे में कोचिंग के मालिकों को राहत नहीं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोचिंग के 4 मालिकों की जमानत अर्जी खारिज की। मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, यूपी सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, 2 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई। उद्योगपति अनिल अंबानी पर सेबी का कड़ा एक्शन, धोखाधड़ी के मामले में 25 करोड़ का जुर्माना, सिक्योरिटीज मार्केट में भी 5 साल के लिए बैन। पुंछ में भारतीय सेना को बड़ी सफलता, पीओके निवासी और आतंकी समूह लश्कर का गाइड जहीर हुसैन शाह को पकड़ा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में संदिग्ध गतिविधि नजर आई, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। असम में 47,928 अवैध प्रवासियों का पता चला, सरकार ने आंकड़ा जारी कर कहा इसमें 43% हिंदू लोग। कड़ी सुरक्षा के बीच भारत लाया गया नाभा जेल ब्रेक का मास्टरमाइंड रमनजीत सिंह उर्फ रोमी, हांगकांग से प्रत्यर्पण के बाद दिल्ली लेकर आई पंजाब पुलिस। छतरपुर मामले में मास्टरमाइंड पर एक्शन, प्रशासन ने आरोपी हाजी शहजाद अली को कोठी उसकी जमींदोज की। अयोध्या गैंग रेप कांड में आरोपी मोहित खान पर प्रशासन का एक्शन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, मोहित ने सरकारी तालाब पर बना रखा था शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अयोध्या के एसडीएम ने दी जानकारी। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में 4 साल की मासूम बच्ची से रेप का मामला, बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई के खांदीवली इलाके में 2 नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। लखनऊ में 12वीं के छात्र ने खुद को कमरे में बंद किया, छात्र ने पिता के लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारने की दी धमकी, पुलिस ने छात्र का सफल रेस्क्यू किया। मौके पर कई घंटों तक तनाव की स्थिति बनी रही, लड़के ने 3 राउंड की फायरिंग की, पड़ोसियों के मुताबिक मोबाइल को लेकर घर में हुआ था विवाद। बरेली में इंस्पेक्टर के घर पुलिस की छापेमारी, आवास से मिले 9,96,000 रुपए, अपने ही थाने की दीवार कूद इंस्पेक्टर फरार। मध्य प्रदेश के पाढ़ुर्णा के मोही घाट में अनियंत्रित होकर बस डिवाइडर से टकराई, हादसे में 3 की मौत, 40 घायल। पटना एम्स के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की कार पर पीछे से फायरिंग, बाल बाल बचे सिक्योरिटी ऑफिसर, दानापुर विधायक के भाई पर हमले का आरोप। दानापुर के खगौल में घटना को दिया गया अंजाम, एम्स में सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती को लेकर स्थानीय लोग बना रहे थे दबाव, अपने करीबियों की भर्ती के लिए दे रहा था धमकी। पुलिस ने मामले को लेकर टीम गठित की, मौके से गाड़ी में लगी गोली को पुलिस ने बरामद किया, हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी की ली जा रही मदद। हैदराबाद में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, 3 संदिग्धों के पास नशे की गोलियां
बरामद। मैसूर में बड़ी मात्रा में विस्फोट सामग्री बरामद। फ्रेंड्स गेट होटल के पास एक बैग से 9 जिल्टिन की छड़ें और एक देसी बम बरामद। राजधानी दिल्ली में कुछ हिस्सों में बारिश हुई, गर्मी से राहत मिली। दिल्ली के आरकेपुरम और मुनिरका इलाके में भी मूसलाधार बारिश, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा, मलबे में दबने से 4 लोगों की मौत, सभी लोग नेपाल के नागरिक। चमोली में भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ से गिरा मलबा, यातायात प्रभावित, मलबा हटाने में प्रशासन जुटा। मथुरा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर जल जमाव से लोगों की बड़ी परेशानी। त्रिपुरा में 3 दशकों में सबसे ज्यादा खराब बाढ़ की स्थिति, अब तक 10 लोगों की मौत, एक व्यक्ति लापता। त्रिपुरा में बाढ़ से बिगड़े हालात, एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वायुसेना ने भी प्रभावित इलाकों पर राहत सामग्री ड्रॉप की। 32,750 लोगों ने राहत कैंपों में शरण ली। सीएम माणिकसहा जल भराव के बीच अपने ऑफिस चलकर पैदल पहुंचे। साउथ त्रिपुरा के बेलोनिया में बीएसएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, 25 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राहत सामग्री लेकर अगरतला पहुंची एनडीआरएफ की टीम, सीएम माणिकसहा ने दी जानकारी। बाढ़ की वजह से त्रिपुरा सरकार का फैसला, सभी शैक्षणिक संस्थानों को अगले आदेश तक रखा जाएगा बंद। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.0 मापी गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में किया पौधारोपण, लोगों से पेड़ भी लगाने की अपील की। आंध्र प्रदेश के पहले सीएम तुंगतुरी प्रकाशम की आज 153वीं जयंती। हैदराबाद में पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पुष्पांजलि अर्पित की। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की तिमाही बैठक में हुई चर्चा, बैठक हुई पूरी। राम मंदिर में 2023-24 में 363.34 करोड़ रुपए दान मिला। यूपी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उज्जैन पहुंचे, महाकाल मंदिर में दर्शन पूजन किए। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के 5,251वे जन्मोत्सव पर दीपदान का आयोजन। विश्व हिंदू परिषद मथुरा की तरफ से 5,251 दिए जलाकर यमुना नदी में दीपदान किया गया।